इस फिल्म में मेरा एक सुपरस्टार का किरदार है. आई एम प्लेइंग अ सुपरस्टार जो बहुत ही पजेसिव है, एरोगेंट है, जो एक कंट्रोल फ्रीक है और जो उस वो चाहता है कि जो हीरोइन है फिल्म की वो ज़िंदगी उसके हिसाब से जिए. तो एक कंट्रोल फ्रीक. जी बिल्कुल पता था मुझे कि ये फिल्म भट्ट साहब की लाइफ पे आधारित है, मुझे पता था ये. और मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी दैट वाज वेरी क्लोज टू महेश भट्ट हार्ट. इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम. आई थिंक शाइनी इज़ अ थोरो प्रोफेशनल, वेरी डेडिकेटेड एक्टर. I learned a lot by just watching him. And on the other hand, I think even Kangana is an extremely gifted and talented girl and a very nice person. We had a few intimate scenes in the film, but she made me feel really comfortable. There was nothing awkward. I was not made to feel like it's my first movie at all. Ji. मुझे उनकी शान बहुत पसंद थी और कालिया बहुत पसंद था. एंड आई थिंक शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी और उस टाइम की आई थिंक शी वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्री स्पिरिटेड एक्टर. Actually, it was just an accident which can happen on any set. The scene was where he had to push me. उन्हें मुझे धक्का देना था, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया. I lost my balance और मैं गिर पड़ा और सारा वेट मेरे हाथ पे आ गिरा. तो थोड़ी सी तकलीफ हुई लेकिन एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता. Did he say sorry to me? He did feel bad because obviously it was not intentional. So. Special preparation नहीं की थी लेकिन जब से ये script लिखी जा रही थी मैं वहाँ रोज़ जाता था, बैठता था, story सुनता था, मेरा role सुनता था. Plus obviously भट्ट साहब से बहुत help मिली, guidance मिली. And obviously, if you have a director like Mohit Suri, who knows exactly what he wants, so it really helped me a lot. Yeah, we had great fun. We all just went one day and decided that I think Raju ji was there, Mr. Raju Khan, he was directing it, Mohit was there, and they told us just do what you all want, jo karna hai karo. So we did that, we just went there and we had a ball, we freaked out. जी ये रियल स्टोरी है मिस्टर महेश भट्ट और मिस परवीन भाभी की, उनकी लव स्टोरी है. मेरा जो कैरेक्टर है वो फिक्शनल है. इट्स नथिंग टू इट्स इट्स डजंट रिजेंबल एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री इफ दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से.